तो WWE के अंदर लेजनर को देखने के लिए हम सभी की आंखें एक तरह की तरस सी गई हैं, और WWE के अंदर लेजनर कब एक बार फिर से वापस आएंगे इसका भी फिलहाल किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से समर स्लैम 2021 मेरी तरह बहुत से फैंस की एक आखिरी उम्मीद होने वाली है। और भाई आज से कुछ घंटे पहले अपने ब्रॉक लेजनर अपने बीस्टी बॉय किए गए हैं स्पॉट उनके न्यू लुक के साथ में। जब लास्ट टाइम हमने उन्हें देखा था उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन भाई अपने लेजनर ने करवा ली थोड़ी दाढ़ी ट्रिम, और अपने लेजनर अभी फिलहाल एक खतरनाक शेप के अंदर है। कौन सी फोटो आई है सामने, कौन सी लोकेशन के ऊपर लेजनर है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या इसका मतलब ये है, क्या एक बार फिर से लेजनर आ रहे हैं वापस? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो बहुत ज्यादा रेयर होता है कि अपने बीस्टी बॉय अपने चिकने लौंडे ब्रॉक लेजनर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर या फिर किसी भी तरीके से अपनी फोटोज वगैरह में शेयर करते हुए नजर आते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से या फिर कोई भी बंदा ब्रॉक लेजनर के साथ अपनी फोटो खिंचाकर अपलोड करता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, तो भाई उस चीज को लेकर रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर तहलका मच जाता है कि लेजनर अपने न्यू लुक के साथ स्पॉट किए गए। और होता क्या, रिसेंटली बटचर ब्लेंड नाम का एक ट्विटर अकाउंट होता है जो कि एक्चुअल में नॉन वेजिटेरियन टाइप का कुछ रेस्टोरेंट या फिर होटल वगैरह खोल के रखा है उन्होंने। और वो करते क्या, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें ब्रॉक लेजनर के साथ कुछ फोटोज पोस्ट करते हुए नजर आते हैं जिसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के सामने। यहां पर ये बात रिवील करते कि जो ब्रॉक लेजनर है उन्होंने रिसेंटली बियर्डेड बटचर्स को थोड़े दिनों के लिए ज्वाइन किया। यहां पर लेजनर भी फिलहाल यू नो जो नॉन वेजिटेरियन पूरा मांस वगैरह है उसके साथ में बिताने वाले हैं। यहां पर लेजनर स्किल्स अपनी इंप्रूव करेंगे मांस वगैरह को छीलने की, और टेक्निक्स यहां पर सीखेंगे, वो अलग अलग ट्रिक सीखेंगे जो कि वाइकिंग्स को आती हैं। वाइकिंग्स जैसे भाई पुराने टाइम में जंगली लोग नहीं होते हैं, आपने शायद गॉड ऑफ वॉर वाली गेम खेली होगी, उसमें जो बंदा है वो भी वाइकिंग टाइप का ही है। और अपने लेजनर क्या करने वाले हैं, वो कुछ दिन इनके साथ रह के इनके साथ काम करके हमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह एक तरह की लेते हुए नजर आएंगे। वो कुछ ट्रिक सीखना चाहते हैं, वो अपने आप को इस चीज के अंदर थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं। और साथ में जो कुछ फोटोज आई हैं सामने वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे, एक फोटो के अंदर अपने बीस्टी बॉय जो कि अब चिकना लौंडा नहीं रहा उसने अपने ऊपर भाई तगड़ा सा मास्क वगैरह डाल के रखा, और बाकी दोनों ने डाली हुई है टाइटल। दूसरी फोटो के अंदर हम देख पा रहे हैं लेजनर हमें थोड़ा बहुत नॉन वेजिटेरियन वाला काम करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी खतरनाक गुस्से में घूर रहे हैं यार कैमरा के अंदर। तीसरी फोटो के अंदर अपने लेजनर और कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और आखिरी फाइनल फोटो के अंदर लेजनर अपने एकदम भोले भाले से दाढ़ी वाले लेजनर खड़े हैं सेंटर के अंदर। और देखा जाए फिलहाल लेजनर का ये जो लुक है काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे, और शायद इस लुक के अंदर बहुत से कम लोग होंगे जो कि लेजनर को एकदम सामने से स्पॉट कर पाएंगे, क्योंकि सही में एक अंकल टाइप के नहीं लग रहे हैं लेजनर यहाँ पर। वैसे खतरनाक लुक होगा अगर इसी तरीके से वो गुस्से में आ जाए, क्योंकि लेजनर को हंसते हुए देखने की जो फोटोज है वो सामने तो आती है, लेकिन वो तब आती है जब वो सामने वाले को या टॉन्ट करते हैं या फिर अपने जो लेजनर है वो सामने वाले को डोमिनेट करने के बाद हंसते हैं अपने एक शैतानी वाली हंसी। लेकिन यहाँ पर लेजनर एक क्यूट सी स्माइल देने का ट्राई कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। और जिन लोगों को नहीं पता ये जो बियर्डेड बटचर्स है उनकी जो लोकेशन है एक्चुअल में वो क्रिस्टन ओहायो के अंदर, अब क्रिस्टन ओहायो के आसपास WWE आने वाली है 23 जुलाई के स्मैकडाउन के शो के अंदर जो कि हमें दिखाई देने वाला है क्लीवलैंड ओहायो में। और क्लीवलैंड ओहायो से क्रिस्टन तक का ज्यादा लंबा रास्ता नहीं, थोड़ा सा रास्ता है। और अगर WWE चाहती है एक बार फिर से लेजनर को वापस बुलवाना तो यस WWE के पास ये अच्छी जगह हो सकती है रिटर्न करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल कुछ हफ्ते लेजनर यहाँ पर बिताने वाले हैं, कुछ दिन वो इनके साथ बिताने वाले हैं, तो लग नहीं ऐसा रहा है कि मनी इन द बैंक के शो के अंदर या फिर रॉ आफ्टर MITB में लेजनर एक बार फिर से वापस आने वाले। बाकी देखते आने वाले टाइम में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि WWE लेजनर को कह रही है भाई थोड़े दिन तक आप अपना टाइम स्पेंड करो और उसके बाद आके आप WWE के अंदर काम करना आके, या फिर ऐसा भी हो सकता है फिलहाल लेजनर और WWE की ज्यादा ढंग से कोई बातचीत नहीं हुई है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म नहीं हुआ है, देखते आने वाले टाइम में क्या स्टेटस होता है। लेकिन अभी फिलहाल लेजनर अपने कुछ इस तरीके के न्यू लुक के साथ किए गए हैं स्पॉट। क्या सोच रहे हैं आपका, जब अपने ब्रॉक लेजनर ने दाढ़ी ज्यादा बड़ी करने के बाद फिर छोटी करवा ली है और धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है फिर से वो चिकने लेजनर बनने वाले हैं, अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्या आपके हिसाब से अब लेजनर की होगी रिटर्न? और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।